जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, हमने प्याज वाली कोई चीज़ खा ली या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली कोई चीज़ खा ली और हम चाहते हैं कि किसी से बात करें तो वो स्मेल ना आए, तो माउथ फ्रेशनर की जरूरत हमेशा पड़ती है। बच्चों, आज हम बनाएंगे माउथ फ्रेशनर, वो भी घर में। और वो चलो, कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, जो माउथ फ्रेशनर हम बनाने जा रहे हैं उसमें पहला इंग्रेडिएंट यूज करूंगी फिटकरी। उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं और वो पानी को साफ करने में भी मदद करता है। दूसरी चीज जो यूज कर रही हूँ वो है मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, मेंथोल, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमें इस माउथ फ्रेशनर के जरिए मिल जाएंगे। वो हमारे मुंह को ताजा बनाए रखता है, उसका जो फ्लेवर है वो सभी को पसंद आता है और कई बीमारियों से हमें लड़ने में भी मदद करता है ये मिंट लीव्स। तीसरी चीज जो यूज कर रहे हैं नींबू। नींबू में विटामिन सी होता है ये तो हम सभी जानते हैं। ये दांत के दर्द में भी तुरंत आराम देता है, मसूड़ों की सूजन में भी इसे लगाया जाता है, अगर उसमें ब्लीडिंग आ रही है तो वो भी परेशानी दूर होती है। तो इसी तरीके से हमें ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं। और हाँ बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे होगा ये जो जो मैं आपके लिए DIY बनाती रहूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से मिल जाएगा। यहाँ मैंने लिया है आधा ग्लास पानी, नॉर्मल पानी जो हमारे घर में होता है। छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने फिटकरी का। अगर आपको थोड़ा खट्टा पसंद नहीं है तो फिटकरी और आधी ले सकते हैं। सबसे पहले पानी को हम गैस पर रखते हैं, इसे उबलने देते हैं और फिटकरी को इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे ही पानी उबलने लगा फिटकरी इसी के अंदर मिक्स हो गई है। पानी को गैस से हटा देते हैं और इसमें एक मुट्ठी भरकर पुदीने के डाल देते हैं। जो पुदीना है वो अच्छे से वॉश कर लिया है और उबलने के बाद जब आप यहाँ पर रखते हो तभी आप पुदीना डालिए। इससे ना आपको बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर मिलेगा। उबलने में कभी भी पुदीने को यूज मत कीजिए। अब इसे कवर कर दीजिए 15 मिनट के लिए, जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। पुदीने की पूरी प्रॉपर्टी ये पानी अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बारी आती है नींबू की। नींबू मेरे पास आज लंबे मिले हैं, इसे इस तरीके से तिरछा काटिए जिससे आप रस उसका बरोबर से निकाल सकें। एक नींबू से रस निकाल के मैंने एक तरफ रख लिया है। नींबू के छिलकों को भी फेंकिए मत, मैंने कई बार आपको DIY बना के दिखाए हैं और वीडियो भी बनाए हैं। ये पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मिंट की लीव्स काली भी नहीं पड़ी है और अपना फ्लेवर उसने पानी को दे दिया है। अब इसमें हम नींबू का रस डाल देते हैं। एक बढ़िया सा माउथ फ्रेशनर तो तैयार हो गया है। इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ, ये है पोलो। इसके बदले आप कोई भी मिंट की टिकिया डाल सकते हो। ये हल्के सी मीठी होती है लेकिन हमें मिंट का फ्लेवर चाहिए, वो इसी से ही मिलता है। एक और बात, जो डायबिटिक मेंबर अगर अपने लिए इसको बना रहे हैं तो ये पोलो या मिंट जो भी आप यूज कर रहे हो इसे आप कम यूज करो क्योंकि ये मीठा भी होता है। जब ये मिक्स हो जाए तब इसे छान कर एक बढ़िया सी स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए या नॉर्मल बॉटल में डाल दीजिए। इसे दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, इसके गार्गल करके, तब तो आप कोई भी बॉटल में रख दीजिए और गार्गल कीजिए। और तो और आज मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी, एक छोटी बॉटल में भी माउथ फ्रेशनर को स्प्रे बॉटल में भर के रख दीजिए जिससे कहीं आपको बाहर भी उसका यूज हो सके। अपनी पर्स में भी रख सकते हैं, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि अभी कुछ स्मेल आ रही है तो आप मुंह में जब स्प्रे कर देंगे ना तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी बिना आपको गागल किए भी। तो आपका मन है किस तरीके से इसे आप बना के रख रहे हैं, इसे जरूर बनाइए, इसका एंजॉय कीजिए और फ्री में ही बन जाती है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं और आप काफ़ी सारे पैसे भी बचाओगे, एक बढ़िया सा माउथ फ्रेशनर घर में बना लोगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए बच्चों तो फटाफट से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।